दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जिस भी सर्किट में हम एसी से डीसी में कन्वर्जन करते हैं तो लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा होता है। दोस्तों, ये कैपेसिटर क्यों लगा होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, ये जो कैपेसिटर होता है वो हाई वैल्यू का होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कैपेसिटर का जो प्रतिघात होता है यानी रिएक्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला 1/2πfc होता है। और दोस्तों, डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए रिएक्टेंस जो हो जाता है वो डीसी पर अनंत हो जाता है, जो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/2πfc, और एफ़ की वैल्यू हम डीसी में जीरो होती है, इन फ्रिक्वेंसी तो जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/0 बराबर अनंत। अर्थात दोस्तों, ये डीसी में इसका रिएक्टेंस अनंत हो जाता है। और दोस्तों, डीसी पर कैपेसिटर का रिएक्टेंस अनंत होता है। दोस्तों, कहीं आप रिएक्टेंस से तो कन्फ्यूज नहीं हो रहे? दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में आसान तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों, रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, मतलब किसी चीज़ को रोकना। अब यहाँ पर हमको पावर की बात हो रही है तो पावर को रोकना, रिएक्टेंस का मतलब पावर को रोकना। दोस्तों, कैपेसिटर का रिएक्टेंस अनंत होने के कारण यह डीसी को रोक लेता है। और दोस्तों, एसी सप्लाई का रिएक्टेंस कम होता है, क्योंकि दोस्तों एसी में फ्रिक्वेंसी की कुछ वैल्यू होती है, और कुछ वैल्यू होने के कारण उसका रिएक्टेंस का मान कुछ ना कुछ होता है, यानी अनंत नहीं होता। अर्थात यह दोस्तों एसी सप्लाई को तो पास कर देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एसी से डीसी के सर्किट में पैरेलल में कैपेसिटर क्या काम करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम एसी सप्लाई से रेक्टिफायर द्वारा डीसी में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ एसी के रिपल रह जाते हैं, जो एसी के कंपोनेंट उसे हम रिपल कहते हैं, रिपल रह जाते हैं। और इन एसी रिपल को उर्मिकाएँ कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम इसे लोड के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो रेक्टिफायर की आउटपुट में प्राप्त एसी रिपल्स, जिनकी आवृत्ति उच्च होती है, आसानी से संधारित्र से होती हुई यानी कैपेसिटर से होती हुई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाती हैं। दोस्तों, कैपेसिटर डीसी को रोक लेता है, इसलिए यह लोड प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है, यानी जो डीसी हमारी है वो लोड रेजिस्टेंस से होकर प्रवाहित होती है। अतः दोस्तों, लोड में और जो रिपल होते हैं वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो रिपल को बाईपास कर देता है। अतः दोस्तों, हमें जो आउटपुट पर यानी लोड रेजिस्टेंस पर जो हमें जो डीसी प्राप्त होती है वो एकदम प्योर होती है, यानी प्योर डीसी होती है, शुद्ध होती है एकदम। इस प्रकार दोस्तों, ये निष्कर्ष निकलता है कि कैपेसिटर यहाँ पर फिल्टर का कार्य करता है, यानी यह एसी को तो पास करके डीसी को प्योर बना रहा है, एसी को पास कर देता है, जिससे हमारी डीसी में जो रिपल होते हैं वो हट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम ये कैपेसिटर फिल्टर के रूप में लगाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।